हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है, और आज हम देखेंगे कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, चाहे करियर रिलेटेड हो, लव लाइफ रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मिल रहा है, आंसर येस मिलेगा या नो मिलेगा, या फिर क्या बेसिकली आंसर आपको मिलने वाला है, ये हम डिटेल में देखेंगे। सो ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे देख सकते हैं गाइस और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और आंसर पा सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए। मैंने कुछ डेज पहले ही एक क्विक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताया है, जिसके इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। मुझे इसका जो रिस्पांस है बहुत ज़्यादा अमेजिंग आया है, कमेंट सेक्शन में मुझे आया है, मुझे मेल में मिला है, बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं गाइज, रिजल्ट लोगों को मिला है। आप लोग भी ट्राई कीजिए अगर आप लोगों को भी इसकी ज़रूरत है तो। ओके, सो हम देख लेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आता है बेसिकली। सो यहाँ पर मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं। ऑप्शन नंबर वन यानी कि ग्रुप नंबर वन के लिए हमारे पास है ये ऑरेंज स्टोन। ओके, आप इसे रेड भी कह सकते हैं। ओके, या और ग्रुप नंबर टू के लिए हमारे पास है ये ब्लू स्टोन। ओके, सो देख लीजिए, इंट्यूटिवली आप कोई भी स्टोन को चूज़ कर सकते हैं, आप दोनों को भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा क्वेश्चंस है तो अलग अलग क्वेश्चंस के लिए आप अलग अलग स्टोन भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। साथ में मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलिएगा गाइस। मेरे इंस्टाग्राम की दो आईडीज़ हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है द मिस्टिकल प्रिस्टेस। ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी आपको स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, थंडर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर वन, अगर आपने इस रेड स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मिल रहा है, और साथ में आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और आपके लाइफ के लिए आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं पेंडुलम रीडिंग के मदद से। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। आईज़ को क्लोज कीजिए, अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए, आंसर के बारे में मत सोचिएगा। ओके, रिलैक्स कीजिए और बस अपने क्वेश्चंस को पूछिए मन ही मन में। द आंसर इज़ येस, बहुत जल्दी आपका आंसर आ गया। ओके, ज़्यादा जो पेंडुलम है वो स्विंग नहीं किया, स्टेबल मुझे ज़्यादा दिख रहा है पेंडुलम। सो द आंसर इज़ डेफिनेटली इट्स अ येस। ओके, सो जो भी आपने पूछा है उसका आंसर, उसका उत्तर हाँ में आया है। ओके, सो कंग्रेचुलेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन अच्छा था तो उसके लिए जो है आंसर येस में ही आया है। ओके, सो हम गाइडेंस देख लेंगे। याद रखिएगा, जो भी आंसर आपको मिला है उसे आपको बस एक गाइडेंस की तरह ही लेना है, ठीक है। ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, ज़्यादा दुखी नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ, जो भी आपको आंसर मिले उसे आप गाइडेंस की तरह लीजिए। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ओके, सो देख लेते हैं गाइडेंस आपको क्या मिल रहा है। हमारे पास है हार्ट अवेकनिंग। Awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. So आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, सबसे पहले तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, उसे कोसिए मत या फिर उससे खुश भी मत होइए। जो भी चल रहा है उसे बस एक्सेप्ट कीजिए कि ओके, ये होना था, या फिर
ऐसा हुआ है तो ठीक है हम इसे अपना रहे हैं, या फिर ठीक है हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हो रहा है। ओके, जैसे ही आप एक्सेप्टेंस मोड पर आएंगे, आप देखोगे कि अगर आपके लाइफ में कुछ बैरियर्स क्रिएट हो चुकी हैं, कोई स्टेगनेंसी क्रिएट हो चुकी है, वो यहाँ पर हट रही है और आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल भी रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको अपने लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ का हो, करियर को, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो भी जैसा चल रहा है, उसे सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए दिल से। दिल से जब आप उस चीज़ को अपनाएंगे, आपको देखने को मिलेगा कि जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है, आप रिसीविंग एनर्जी में आ चुके हैं। साथ में आपको जो भी आपके लाइफ में बेस्ट पॉसिबल आउटकम आ सकता है आपके लाइफ का, चाहे करियर में हो, लव लाइफ में हो, कोई रिजल्ट हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, उसका बेस्ट चीज़ को आप जो है एक्सपेक्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप इस वक्त एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप दिल से किसी भी चीज़ को अपना नहीं पा रहे अपने लाइफ में, आपके जो भी सिचुएशंस हो रहे हैं। ओके, सो इस चीज़ पे आपको थोड़े ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। प्रायोरिटीज। ओके, सो यहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने जो भी क्वेश्चन किया हो या फिर आपके लाइफ में, आपको जो है अपने प्रायोरिटीज़ बनानी है। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है, हो सकता है कि आपने ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है चीज़ों पे, बट आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप चाहे जो भी करें, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें प्यार दीजिए, अगर आप किसी करियर में आप मेहनत कर रहे हैं, वर्क में, स्टडीज़ में, तो वो चीज़ को भी प्यार से कीजिए, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती मत कीजिए। ठीक है, अगर आप प्यार से करेंगे तो आप रिसीविंग एनर्जी में आ पाएंगे, और अगर आप मजबूरी में ज़बरदस्ती या कोई एक चीज़ को खींचेंगे किसी एक चीज़ में जो है इच्छा के बगैर काम करेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारी जो है अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो जो भी आप करें, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, उसमें प्यार इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। तो फैमिली के साथ, लवर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने करियर के साथ, हर एक चीज़ में ना प्यार रखिए आप, हर एक चीज़ों को दिल से निभाइए, दिल से कीजिए हर एक चीज़। सो अपने सिचुएशंस पे प्यार को इन्वॉल्व करें, जैसे आप करेंगे आपको नज़र आएगा जो भी आप चाह रहे हैं आपको मिल भी रहा है, और साथ में आपके लाइफ में कन्फ्यूजन्स या क्वेश्चंस नहीं रह रहे हैं, बल्कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए कमेंट सेक्शन में अपने एंजल्स को। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय वन। हेलो ग्रुप नंबर वन, अगर आपने इस ब्लू स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको क्या मिल रहा है, साथ में हम गाइडेंस भी देखेंगे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंड लाइफ के अकॉर्डिंग। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। आंसर आपको जो भी मिले उसे आपको एक गाइडेंस की तरह ही लेना है, उससे आपको दुखी भी नहीं होना, ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है। ठीक है, एक गाइडेंस की तरह आपको लेना है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। सो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले हम पेंडुलम रीडिंग की मदद से देखेंगे कि आपको आंसर क्या मिल रहा है बेसिकली। सो गिव मी फ्यू सेकंड्स। ओके, यहाँ पर रिफ्रेस आ रहा है, फिर से करते हैं। ओके, अपने जो भी क्वेश्चन है उसे आप फिर से पूछिए। ओके, फिर से पूछिए जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा डीपर लेवल पर, थोड़ा सा आइज़ को क्लोज कीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए अपने क्वेश्चन के ऊपर। ओके, फिर से पूछिए, हम फिर से देखते हैं कि आपका आंसर क्या आता है यूनिवर्स की तरफ से। आंसर येस है। ओके, आप स्विंगिंग देख सकते हैं, हो सकता है आप थोड़े से एंग्शियस ज़्यादा हैं। ओके, या फिर जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है, हो सकता है आपके मन में डर है किसी चीज़ का, अगर आपने पूछा है तो।
सो मुझे आंसर यहाँ पर यस ही नज़र आ रहा है। ओके और बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सो द आंसर इज यस। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर हाँ में आया है, उसका हाँ आंसर जो है यस में आया है। ओके और एक्साइटमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है, नर्वसनेस भी नज़र आ रहा है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, बट जो भी चीज़ें हैं आंसर बहुत ज़्यादा ही मुझे यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है, यस नज़र आ रहा है। ओके सो चलिए देखिए स्विंग करता जा रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी मेरे हैंड्स जो हैं वो पूरे तरीके से रुके हुए हैं एक जगह, बट ये अपने आप स्विंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही स्विंग कर रहा है। ओके सो यस, सो चलिए अब हम देख लेते हैं आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है। सो लेट्स सी, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाई एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है या फिर जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसके लिए कुछ चीज़ों को आपके अपने तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाकर उसका रिस्पॉन्स हो सकता है आपको मिले। ओके सो अगर आपने करियर रिलेटेड कुछ पूछा हुआ है तो उसमें आपको बताया जा रहा है कि आपको कुछ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, आपको कुछ स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपको कुछ इनिशिएट करने की ज़रूरत है, उसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो आपको मिलेगा इन फेवर। ठीक है, अगर लव लाइफ से है या रिलेशनशिप से है तब भी मुझे आपको नज़र आ रहा है कि कुछ एफर्ट्स आपको अपने तरफ से डालने ही होंगे ताकि जो आउटकम है वो आपको आपके फेवर में मिले या फिर उसके यस में मिले। ओके तो कुछ चीज़ों में आपको मूवमेंट्स लेने होंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, आप जानते हो आपने क्या पूछा है, उसके हिसाब से आप रिलेट कीजिए कि आपको इस वक्त किस चीज़ में एक्शन लेने की ज़रूरत है, किस चीज़ में आपको एफर्ट सही में डालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसमें आपको डालना चाहिए ताकि आपको जो है आंसर अच्छा मिले, मतलब जो आंसर आपको मिला वो रियलिटी में हो। ठीक है, और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। एवोल्यूशन, ओके सो आपको गाइडेंस ये भी मिल रहा है कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हुई, अगर आपने कुछ नेगेटिव भी पूछा हुआ है, ओके और आपने अगर ऐसा पूछा हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, सो आपको ये एक मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, नॉट अ गाइडेंस बट अ मैसेज, कि जो भी चीज़ें हुई, जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके रही, अगर आपने कोई पेनफुल क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर ये है कि उसके पीछे कोई एक रीज़न था, उसके पीछे कोई एक लेसन था जिसकी वजह से जो है आपको एक सही रास्ता दिखाने के लिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए वो लेसन आपको मिला। ठीक है, तो जो भी पेन से रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आपने अपने दुख दर्द से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, आप अगर आपने भगवान से ही कोई क्वेश्चन पूछा है कि इतना दुख दर्द आपको क्यों मिला एक्सेट्रा इस तरह का, तो वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी ज़िंदगी में आए, जो भी चीज़ आपके साथ हुई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और उससे कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ सीखोगे और आपने सीख भी लिया है और उससे ही आपकी ग्रोथ होगी जिसकी वजह से आपने ये सब फेस किया। ठीक है, ये आपके ग्रोथ के लिए था। ठीक है, आपके सोल ग्रोथ के लिए था ताकि आप ज़िंदगी में और भी ज़्यादा आगे बढ़ पाए, आप मच्योर हो पाए, आप इवॉल्व हो पाए। ओके सो ये मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ग्रेटिट्यूड शो कीजिए अपने एंजल्स को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।